वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर जॉइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। अनुज, ध्यान, सौम्या, सार्थक, अमित, कीना, सबका बहुत बहुत स्वागत। अ वॉर्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स, दैट इज 12th of October। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत है। सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, या फिर जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछा जाता है उनका सेशन में स्वागत है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट। विप्रजीत, रागिनी, श्रुति, देव स्नेहल, तमन्ना, विप्रजीत, अ वॉर्म वेलकम। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, सो दैट एवरीबडी कैन ज्वाइन। सो दिस इज मी एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स वेयर यू कैन ज्वाइन मी, इंस्टा पर, जीमेल, टेलीग्राम। प्लीज डू हेल्प इन शेयरिंग दिस सेशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड रीच टू द फारफ्लंग एरियाज। जय हिंद, जितेश, सौम्या, मंगल, अनुज, अपर्णा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ वॉर्म वेलकम, स्वागत है आपका। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करते हैं और देखते हैं आज की न्यूज क्या क्या है। सो IMF डिम्स आउटलुक फॉर 2023 ग्लोबल इकोनॉमी अमिड यूक्रेन वॉर। IMF ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी 2023 में जो है नीचे जाएगी या कह लीजिए श्रिंक करेगी यूक्रेन वॉर के चलते हुए, तो ग्रोथ रेट को कम किया है। यूके की इकोनॉमी अगस्त के महीने में श्रिंक हुई है बाय 0.3%। अगेन यूके का इकोनॉमिक क्राइसिस अभी जारी है। जो बाइडन ने सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज को कहा है कि आपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करने का जो निर्णय लिया है इसके कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। अर्बन पॉवर्टी ट्रिपल्स इन श्रीलंका बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। वहां पर अर्बन एरियाज में जो कह लीजिए जो पॉवर्टी है वो लगभग 3 गुना हो गई है। तुलसी गबार्ड जो कि ओनली हिंदू पार्लियामेंटेरियन थी यूएसए में, डेमोक्रेट पार्टी से थी, उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को छोड़ दिया है। क्या मायने हैं इसके बारे में जानेंगे। लुकाशेंको जो कि राष्ट्रपति हैं बेलारूस के, उन्होंने कहा है कि हम एक जॉइंट बेलारूसियन फोर्स बनाएंगे रशियन आर्मी के साथ। क्यों बनाएंगे इसके बारे में जानेंगे। इसराइल ने एक हिस्टोरिक सी बॉर्डर डील स्ट्रक की है लेबनन के साथ। लेबनन के साथ क्या इश्यू रहा है इसराइल का, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और इस डील से इसराइल या लेबनन को क्या फायदा होगा वो देखेंगे। ग्राफ्ट कन्विक्शंस एक्सटेंड ऑंग सैन सू की प्रिजन टर्म टू 26 इयर्स। करप्शन टोटल मतलब जो कह लीजिए नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जो चेयरपर्सन है ऑंग सैन सू की, म्यांमार की कह लीजिए सबसे बड़ी बड़ी जो लीडर है, उनको 26 साल की टोटल सजा हुई है। इसके मायने क्या है ये भी देखेंगे। जर्मनी रशियस टू मूव अप टू द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट 4 हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम थ्रू यूक्रेन। इसके बारे में जानेंगे क्यों दिए गए हैं, क्या है ये एयर टेक डिफेंस सिस्टम्स। नासा ने अनाउंस किया है कि जो डार्ट मिशन है वो हमारा सक्सेसफुल है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन ने कहा है कि वो इंडिया विजिट करेंगी। एंड इंडिया सप्लाइज 13th बैच ऑफ मेडिकल असिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ एसेंशियल मेडिसिन सर्जिकल आइटम्स फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हम मेडिकल असिस्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूज में MS धोनी लॉन्चेस ड्रोनी मेड इन इंडिया कंज्यूमर कैमरा ड्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय गरुड़ एयर स्पेस। और उसके बाद नेशनल न्यूज है साइंस एंड टेक में स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम टू टैग रूरल कम्युनिटीज इन टेक वर्ल्ड। अपॉइंटमेंट्स में ये हमने दोनों अपॉइंटमेंट्स देख ली थी कल। तो ये है आज का सेशन, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत सारी न्यूज है। पहली न्यूज है IMF ने कहा है कि 2023 में यूक्रेन वॉर के चलते हुए, अब देखिए यूक्रेन वॉर सिर्फ एक कारण नहीं है, यूक्रेन वॉर के चलते हुए ग्लोबल ऑयल सप्लाईज चैलेंज हुई। हमने देखा किस तरीके से फूड क्राइसिस आया, बाद में यूक्रेन और रशिया ने मिलकर यूएन की मध्यस्थता के बाद ये कहा कि हम ग्रेन एक्सपोर्ट्स को, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट को हानि नहीं पहुंचाएंगे। किस तरीके से इंटरेस्ट रेट हमने पूरी दुनिया भर में इवन इंक्लूडिंग RBI बैंक ऑफ इंग्लैंड या फेड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ब्याज दर है, वो बढ़ती जा रही है। और जो COVID-19 पेंडेमिक है उसका असर अभी भी जारी है, खासकर जैसे हमने
चाइना के केस में देखा कि चाइना में सीवियर लॉकडाउन है। अब चाइना को हम दुनिया के एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखते हैं, तो जब चाइना में लॉकडाउन लगता है तो पूरी की पूरी दुनिया को उसका असर देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे कारण मिलकर जो है कहीं ना कहीं एक डिम आउटलुक दे रहे हैं 2023 के बारे में। और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये इट कैन टर्न इनटू अ डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन जनरली एक कहा जाता है कि जब दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव में हो तो उसको डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो 190 देशों के एजेंसी ने, आईएमएफ ने ये कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो उसकी ग्रोथ रेट जो है सिर्फ 2.7% होगी, जो पहले उन्होंने एक्सपेक्ट की थी 2.9%। और आईएमएफ ने ये भी कहा इस साल जो है 3.2% इंक्रीज की थी जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी की बात कर रही है, वर्ल्ड जीडीपी की। और पिछले साल जो है 6%, अ शार्प डिसलरेशन फ्रॉम द लास्ट ईयर 6% एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 6% इकॉनमी, पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी एक्सपेंड की थी, इस साल 3.2% और अगले साल मात्र 2.7% का एस्टिमेट कहा है आईएमएफ। आईएमएफ का काम क्या है और वर्ल्ड बैंक से कैसे? ठीक है जी, मैं बाद में एक बार बता दूंगा। देखो, दो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आईएमएफ का मेन काम जो है बेल आउट पैकेज, जब कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तब एक आईएमएफ का रोल आता है, ठीक है। तो दो बड़े कह लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में हम देखते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर जो है अच्छे संकेत नहीं दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज भी कुछ इसी से मिलती जुलती है कि यूके की इकोनॉमी अगस्त में 0.3% श्रिंक कर गई है। तो यहां पर जो लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने कहा था कि मैं इकोनॉमी में एक गति लाऊंगी, उल्टा जो है इकोनॉमी श्रिंक की है। खैर, इनके आने से पहले की बात है, खैर इनको हम इस चीज का कह लीजिए वो नहीं कह सकते। बट यस, अब इनके लिए एक चैलेंज बढ़ता जा रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि किस तरीके से ब्रिटेन की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है कि पाउंड स्टर्लिंग डेप्रिशिएट कर रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स उनके कम होते जा रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू कम हो गया क्योंकि आपने टैक्स के बेनिफिट्स दे दिए, और जो पैसा हाथ में आया उससे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है ज्यादा। तो कुल मिला के यूके की इकोनॉमी जो है 0.3% श्रिंक करी है। ये यूके के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। यूके भी क्योंकि सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया, जो पहले फिफ्थ लार्जेस्ट थी, अब हम फिफ्थ लार्जेस्ट हो गए हैं, यूके सिक्स्थ लार्जेस्ट है। तो यूके की इकोनॉमी का श्रिंक होना ये दुनिया की इकोनॉमी या कह लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है, जो बाइडेन ने सऊदी अरेबिया को और ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को, जो 13 देशों का एक कार्टल है जिन्होंने कहा कि हम हर दिन जो है 2 मिलियन बैरल, 2 मिलियन बैरल मतलब 20 लाख बैरल का प्रोडक्शन कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, और अपने प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए, देखो यहां पर आप सवाल उठता है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। तो जब 20 लाख बैरल की सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी है, तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनका मुनाफा मेंटेन रहेगा। तो यहां पर यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन ने या कह लीजिए बाइडन बाबा ने कह दिया है कि इनके इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं बताया कि किस तरीके से इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्या होंगे कंसिक्वेंसेस, बट डेफिनेटली उन्होंने सऊदी अरेबिया को एक कह लीजिए सऊदी अरेबिया और बाकी 13 देशों को भी ये चेतावनी दी है कि आप ये गलत कर रहे हैं। शर्ट पीपीटी निष्ठा, अच्छा ब्लू है, कुछ तो है, ठीक है जी। इसको एक ट्रायल बेसिस पर था, ठीक है, ट्रायल बेसिस पर था, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है प्रियंका, ठीक है आगे चलते हैं। तो इसमें ओपेक में कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया। ये हो गया वेस्ट एशिया से। अफ्रीका से 2 नेशन हो गए, लीबिया और अल्जीरिया, ठीक है, लीबिया और अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन और अंगोला, सॉरी 5 देश हैं, और 2 देश हैं आपके साउथ अमेरिका से, दैट इज वेनेजुएला और इक्वाडोर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हो गए इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये 6 देश हो गए, ये 5 देश हो गए और ये 2 देश हो गए।
इस तरीके से ये 13 देशों का एक समूह हो गया। बेसिकली ये 13 देशों का, ये वो देश हैं जहां पर आपको ऑयल के मेजर प्रोड्यूसर्स मिलते हैं। तो इन्होंने 1970s में एक ग्रुपिंग बनाई थी ताकि हम पूरी दुनिया भर में प्रोडक्शन को मेंटेन कर सके, प्रोडक्शन को देख सके, ताकि प्रोड्यूसर्स का बेनिफिट भी हो, ऐसा ना हो कि प्रोड्यूसर्स भी आपस में बातचीत करके एक कार्टल बनाए, एक ग्रुप बनाए, ताकि जो कंज्यूमर है उनसे हम मन मुताबिक अपने प्राइसेस वो कर सके। अच्छा, इसको लेकर एक पॉइंट और भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। उनका ये कहना है कि यहां पर इनको पता है, इन देशों को, कि ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, आने वाले कुछ सालों तक, ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में या 15 साल में काफी ज्यादा इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हम फ्यूचर किस में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या कह लीजिए ब्लेंडेड फ्यूल, या कल हमने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स देखा, फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल देखा, तो यहां पर इसके इसके चलते जो है क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो आपकी कम होगी, तो यहां पर बेनिफिट हमें नहीं होगा, तो अभी मौका है पैसा कमाने का। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी कुछ एक्सपोर्ट्स का कहना है। यूएसए का तो सिर्फ दो देश, यूएसए के तो सिर्फ दो देश हैं, तो जो बाइडन क्यों कह रहे हैं बाकी देशों को? यूएसए के तो सिर्फ यूएसए के दो देश हैं अर्जुन, यूएसए एक देश है, यूएसए के दो देश हैं, साउथ अमेरिका के ये दो देश हैं। ठीक है, अंकल सैम का जो कह लीजिए वर्चस्व है वो सिर्फ साउथ अमेरिका नहीं, वो पूरी दुनिया में है। ये ना, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये 6 हो गए, ये हो गए आपके 5, यहाँ अफ्रीका में 5, ये 6 और ये 2 देश। ठीक है, तो ये ओपेक कंट्रीज के मेंबर हो गए। क्लियर? हर्ष, वेलकम टू द सेशन। बच्चे बहुत कम हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो सो दैट बाकी बच्चे भी आ जाएं। ओके, नेक्स्ट है, अर्बन पॉवर्टी ट्रिपल्स इन श्रीलंका अमिड एंड्यूरिंग क्राइसिस। श्रीलंका में आपको वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। अर्बन पॉवर्टी जो है आइलैंड में ट्रिपल हो चुकी है, मतलब जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग थे, जहां पर जो पॉवर्टी है, जो रेट है वो 5% था, या कह लीजिए पूरी अर्बन पॉपुलेशन का 5% बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे थे, अब वो बढ़कर 15% हो गया है, जो कि डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है, जो कि हम देख रहे हैं श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस गहराता जा रहा है। श्रीलंका के 80% जो श्रीलंका पुअर है वो रूरल एरियाज में रहते हैं, बट अर्बन एरियाज में इस तरीके की कह लीजिए एक आर्थिक संकट का गहराना, ये वहां के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। और इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट और है कि 50% पॉपुलेशन जो वहां के तमिल एरियाज है, जिसको लेकर हमेशा से भारत का एक स्टैंड रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो वहां पर 50% पॉपुलेशन, ये कहा जा रहा है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत चल रही है। तो बेसिकली जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो अराउंड 1.5 लाख पीपल, मोस्टली वुमेन फ्रॉम द मिलियन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वर्कफोर्स इन टी एस्टेट्स, ब्रिंगिंग क्रूशियल फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री। तो यहाँ पर आपने 7 बड़े कारण देखे थे श्रीलंका की इकोनॉमी का नीचे जाने के पीछे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कारण आप ये कह सकते हैं कि इनका डेट जो क्राइसिस है, इन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया, उसको रीपे नहीं कर पाए, एग्रीकल्चर में कंप्लीटली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आना, जिसकी वजह से इमीडिएटली क्या हुआ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कम हो गया, जो टूरिज्म, टूरिस्ट का ना आना, ठीक है, क्योंकि COVID-19 चल रहा है, तो टूरिस्ट सेक्टर जो कि यहाँ की इकोनॉमी का लगभग 10% हिस्सा कंस्टिट्यूट करता है, वहां पर टूरिज्म का कम होना, ये सारे के सारे मुख्य कारण रहे कि श्रीलंका में ये स्थिति आज होती दिख रही है। ठीक है जी, ओपेक कंट्रीज की कोई ट्रिक नहीं बनाई है मैंने, 13 कंट्रीज हैं, सो उसका ट्रिक बना लेंगे, बट अभी तक मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आखिर में उसकी ट्रिक बना लेंगे, अनुज क्लास में बना लेंगे, डोंट वरी। तुलसी गबार्ड क्विट्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कॉल्स इट एलिटिस्ट कैबल ऑफ वॉर मॉन्गर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं तुलसी गबार्ड, जो कि पहली हिंदू अमेरिकन थी टू रन फॉर द व्हाइट हाउस इन 2020, और
शी इज लीविंग द गवर्निंग डेमोक्रेटिक पार्टी, कॉलिंग इट एलिटिस्ट कैबल ऑफ वॉर मॉन्गर्स, मतलब कि एलिट लोग हैं, वॉर मॉन्गर्स हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो अभी रूलिंग पार्टी है, अभी रूलिंग पार्टी जो अभी जो बाइडन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही लीडर है। तो सीधा सीधा ये अटैक कर रही हैं अपनी रूलिंग पार्टी पर कि वो वॉर को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि अभी जो ताइवान वाला इशू, यूक्रेन वाला इशू को उनको बढ़ावा दे रही है। अब यहां पर हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आता है कि शी इज द फर्स्ट एवर हिंदू टू बी इलेक्टेड टू द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन 2013 फ्रॉम हवाईयन आइलैंड्स जो कि पैसिफिक ओशन में है, और सब्सिक्वेंटली वो चार बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुनी गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है जो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। अब यहां पर उनका कह लीजिए अभी अब उन्होंने ये नहीं बताया कि फ्यूचर में वो क्या करने जा रही है, मतलब फ्यूचर में इन द सेंस कि अगला स्टेप क्या होगा, क्या वो मतलब रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन करेंगी या किस तरीके से। वॉर मॉन्गर्स का मतलब तमन्ना ये हुआ कि जो वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, जो वॉर चाहते हैं, तो सीधा सीधा जो अभी की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उस पर ये हमला किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको अनाउंसेस फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट यूनिट ऑफ बेलारूसियन फोर्सेस विद रशियन आर्मी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट यूनिट ऑफ बेलारूसियन फोर्सेस विद रशियन आर्मी, रशियन आर्मी के। देखो मैं आपको हमेशा से एक बात बताई है कि बेलारूस क्या है, बेलारूस 2.0 है, रशिया 2.0 है, लुकाशेंको भाई साहब है ना, लुकाशेंको भाई साहब। इस बार आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था सीएपीएफ में कि नाटो का मेंबर कौन सा नहीं है, तो बेलारूस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफी क्लियर था पेपर में क्योंकि हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां पर लुकाशेंको ने ये कहा है कि क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती जा रही है और उन्होंने ये आरोप लगाया लुथानिया, पोलैंड और यूक्रेन पर कि वो बेलारूस के जो रेडिकल्स हैं या कह लीजिए जो बेलारूस की सरकार के अगेंस्ट में है वो उनको भड़का रहे हैं और ताकि वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज कंडक्ट की जाए। तो इसके चलते, इसको मद्देनजर रखते हुए बेलारूस और रशिया की आर्मी साथ में मिलकर जो है काम करेंगी। वैसे वो पहले से भी काम कर रही हैं, जॉइंट यूनिट पहले से भी उन्होंने बना के रखी हुई है, बट यहां पर आप देख सकते हैं कि बेलारूस ने एक फर्दर लेवल पर जो है रशियन आर्मी के साथ मिलकर काम करने की ठान ली है या एक डिसीजन लिया है बेलारूस के राष्ट्रपति ने। ठीक है जी, ठीक है जी, ध्रुव इसको चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। सो ये है आपका मिंस्क, ठीक है जी, कैपिटल मिंस्क और बेलारूस की, और यहां पर आपका यूक्रेन है कैपिटल कीव, यहां पर रशिया, और यहां पर आपको बाल्टिक स्टेट्स, तीन बाल्टिक स्टेट है, एस्टोनिया, लुथानिया, लाटविया, ठीक है, और यहां पर पोलैंड। तो उनका ये कहना है कि लुथानिया, पोलैंड और यूक्रेन जो है मिलकर बेलारूस को अनस्टेबल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम रशिया के साथ जाएंगे। तो जाने के लिए कुछ रीजन भी तो चाहिए ना, तो रीजन बनाया गया है। नेक्स्ट है, इसराइल ने कहा है कि हिस्टोरिक सी बॉर्डर डील स्ट्रक की है लेबनन के साथ। सो इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 11 अक्टूबर 2022 को कंट्री हैज रीच्ड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद नेबरिंग लेबनन ओवर देयर शेयर्ड मैरिटाइम बॉर्डर आफ्टर मंथ्स ऑफ यूएस ब्रोकर्ड नेगोशिएशंस। एक्चुअली अब थोड़ा सा तेरे वेस्ट एशिया को देखते हैं, ये रहा आपका इसराइल। इसराइल में जो दो कह लीजिए एरियाज है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप, ये आपका कह लीजिए फिलिस्तीन जो है, और जो यहाँ की कह लीजिए कैपिटल तेल अवीव, पर जिसको ये मानते हैं दैट इज जेरूसलम, ठीक है, क्लेम करते हैं, और इसके नॉर्थ में देखिए लेबनन, और लेबनन में अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि लेबनन में चल रहा है क्राइसिस, ठीक है, लोग बैंक लूट रहे हैं, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि लोग बैंक लूट रहे हैं इसलिए नहीं कि बैंक लूटना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम अपना पैसा लूटने जा रहे हैं, बैंक हमें अब हमारा पैसा ही वापिस नहीं कर रहा है इसलिए हम बैंक लूटने जा रहे हैं। तो कुछ जो है काफी सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर चल रहे हैं। तो अब लेबनन ने इसका सलूशन क्या निकाला है, जो कि जब से इजराइल बना है उसके फंडामेंटली वो इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता या कह लीजिए इजराइल के अगेंस्ट में है,
और इसराइल के अगेंस्ट वॉर कर चुका है. सो लेबनन एंड इसराइल हैव बीन ऑफिशियली एट वॉर सिंस इसराइल क्रिएशन इन 1948. सो सिंस 1948 दे आर ऑफिशियली एट वॉर और दोनों कंट्रीज क्लेम करती हैं अराउंड सब 860 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, यहाँ वाला जो ये एरिया है ये आप देख सकते हैं, इस एरिया को वो क्लेम करती हैं कि ये इसको इसराइल कहते हैं ये हमारा है और लेबनन कहता है ये हमारा है. अब इन दोनों के बीच में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है और उसके पीछे कौन है, यूएस है. देखो यूएस हमेशा से इसराइल की सपोर्ट में रहा है. अब यहां पर जो ये क्यों किया गया, अब आप पूछेंगे कि लेबनन तो अगर इसराइल के अगेंस्ट में है तो वो इसके साथ एग्रीमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है. इसको इनको ये लग रहा है कि इससे हमें एडिशनल नेचुरल गैस प्रोडक्शन करने में मदद मिलेगी, इससे लेबनन को गैस एक्सप्लोरेशन होगी और जो यहां पर इकोनॉमिक संकट है, आर्थिक संकट जो गहरा रखा है, इससे इनको निजात मिलेगी. तो जब यहां इकोनॉमी की बात आ गई तब इन्होंने इसराइल के साथ भी टाई अप करने के बारे में सोच लिया है. ठीक है जी. यस यस अर्जुन. ओके, नेक्स्ट है ग्राफ्ट कन्विक्शंस एक्सटेंड ऑन्ग सैन सू की प्रेजेंट टर्म टू 26 इयर्स. ये अलग लेवल पे चल रहे हैं. म्यांमार वाले बिल्कुल वो बैटिंग अलग लेवल पे कर रहे हैं. तो म्यांमार की जो मिलिट्री जुंता है या कह लीजिए मिलिट्री रूल है, उन्होंने कंट्री की जो लीडर है ऑन्ग सैन सू की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की लीडर हैं या कह लीजिए जिनको नोबल पीस लॉरिएट है, नोबल पीस प्राइज मिल रखा है, उनको दो और करप्शन चार्जेस में 2-3 ईयर सेंटेंसी मतलब 2-3-3 साल की सजा सुनाई है. अब जितनी भी अभी तक हमने कई बार बीच में हम पढ़ चुके हैं कि उनको 2 साल की सजा, कभी 1 साल की सजा, कभी 4 साल की सजा, अब ये टोटल सजा जो है ये 26 साल हो चुकी है. मतलब अभी उनकी उम्र 77 है, तो अगले मतलब जब तक वो 103 साल की होंगी, ठीक है, तो तब तक वो जेल में रहेंगी एज पर द मिलिट्री रूल. सो ये जो है लास्ट ईयर हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने इलेक्शन जीते, भारी बहुमत से इलेक्शन जीते और जस्ट इलेक्शन से एक मतलब कह लीजिए जब इन्होंने सत्ता में आने वाली थी उससे जस्ट पहले मिलिट्री ने पावर सीज कर ली, उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट से हटा दिया और शी वाज डिनाइड द शी हैज डिनाइड द एलिगेशंस अगेंस्ट हर इन दिस केस, जिसमें कि इनको एक्यूज किया गया कि इन्होंने 5.5 लाख जो डॉलर हैं वो ब्राइब या कह लीजिए रिश्वत ली है अ टाइकून कन्विक्टेड सेवरल ईयर अगो ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग. एक ट्रैफिकर है, उससे 5.5 लाख डॉलर जो है रिश्वत ली है, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, ये मेरे को फ्रेम किया जा रहा है. सो शी हैज ऑलरेडी बीन सेंटेंस्ड टू 23 ईयर इंप्रिजनमेंट आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ इलीगल इंपोर्टिंग. मैंने आपको पहले भी बताया था इन पर ये भी केस चला कि कोविड-19 के समय पर इन्होंने जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो लोगों के तरफ वेव किया है, हाथ हिलाया, तो आप इन पर ये भी चार्ज लगा कि आपने कोविड-19 की वायलेशन की है, उस पर भी इनको सजा सुनाई गई है. इनके घर में वॉकी टॉकी मिला है कि ये वॉकी टॉकी आप नहीं रख सकते उस मतलब ऐसे इन्होंने कहा कि हमारे मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं मिला, बट इन्होंने कहा मिलिट्री ने कि वहां पर वॉकी टॉकी मिला है, उसकी भी अलग से सजा है. तो इस तरीके से जैसे वॉकी टॉकी, वॉयलेटिंग कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन, ब्रीचिंग द कंट्रीज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सीडिशन, इलेक्शन फ्रॉड, 5 अदर करप्शन चार्जेस, टोटल 26 साल की सजा दी है. नेक्स्ट है जर्मनी रशेस टू मूव अप डिलीवरी ऑफ फर्स्ट 4 हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम्स टू बी डिलीवर क्विकली. तो रशिया के एयर स्ट्राइक्स बढ़ गए हैं पिछले 2 दिन में, ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है यूक्रेन में. अब जर्मनी जो है कह लीजिए यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है और ये कहा है कि व्हीकल माउंटेड आयरिस TSLM सिस्टम या कह लीजिए एक मिसाइल है, आयरिस आयरिस टी मिसाइल जो है ये दी जाएंगी जर्मन आर्मी के द्वारा, किसको, यूक्रेन को दी जाएंगी यूक्रेन की मदद के लिए. ठीक है, तो ये है आपकी मिसाइल जो जर्मनी देगा किसको, यूक्रेन को, यूक्रेन की मदद के लिए ताकि रशिया के अटैक से वो बच सके. चलिए नेक्स्ट है नासा ने डार्ट मिशन को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया है. उन्होंने कहा है कि डार्ट मिशन दैट इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा.
ऑर्बिट में चेंज हो गया, डेडिमोस जो था वो चेंज हुआ, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डार्ट स्पेसक्राफ्ट दैट डिलिबरेटली क्रैश इनटू द एस्टेरॉयड लास्ट मंथ सक्सेडेड इन चेंजिंग द एस्टेरॉयड्स मोशन इन स्पेस, और डार्ट जो है स्पेसक्राफ्ट था डिजाइन टू इंपैक्ट एन एस्टेरॉयड के फ्यूचर में। देखो एस्टेरॉयड इंपैक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये कहा जाता है कि 66 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग मतलब 6.6 करोड़ ईयर्स अगो, एक कह लीजिए मीटराइट हिट किया था धरती के साथ, और वो मीटराइट इतना बड़ा था और जब वो हिट किया उस समय पर ये कहा जाता है कि अराउंड 75% जो पॉपुलेशन थी, मतलब जो भी जानवरों की जो पॉपुलेशन थी उस समय पर, जैसे जिसमें कि डायनासोर्स भी एक मेजर प्रजाति थे, वो खत्म हो गए थे। ठीक है, 70 से 75%, ये अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा, बट ब्रॉडली आपको ये समझना है कि इतना बड़ा इंपैक्ट था। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर फ्यूचर में आपको कुछ ऐसा होगा तो हम जो है उसको किसी तरीके से उस पर हिट करेंगे और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे ताकि मानवता को बचाया जा सके। तो इसको एक इन्होंने सक्सेसफुल मिशन डिक्लेयर किया है। ठीक है, इफ्तिकार बट, और अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए, अभी पढ़ने के लिए ज्यादा फोकस मत कीजिए, वो मैं आपको वैसे समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इसको हम, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, कल से इसको कलर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेयर विद मी एज ऑफ नाउ। आगे चलते हैं। इंडिया सप्लाइज 13th बैच ऑफ मेडिकल असिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ असेंशियल मेडिसिन सर्जिकल आइटम्स टू अफगानिस्तान। इंडिया ने 13th बैच ऑफ मेडिकल असिस्टेंस दिया है असेंशियल मेडिसिन का, सर्जिकल आइटम्स का, अफगानिस्तान को, और जितनी भी आइटम्स हैं वर हैंडेड ओवर टू अथॉरिटीज ऑफ द इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन काबुल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब लास्ट ईयर 15 अगस्त को ही तालिबान की सरकार आई अफगानिस्तान में, बट उससे पहले हमने लगभग 20 साल, जब 2001 में, देखो 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की सरकार रही, 2001 में 9/11 हम अटैक देखते हैं, उसके बाद वॉर ऑन टेरर, ठीक है, यूएस अपनी सरकार लेकर आता है हामिद करजाई काफी लंबे समय तक, तो 2001 से 2021 तक आप ये कह सकते हैं यूएस सपोर्टेड सरकार है। तो इस 20 सालों में भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट में एक हॉस्पिटल भी बनवाया भारत सरकार ने, उसका नाम था इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन काबुल। तो इसको जो है एक मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, एसेंशियल मेडिकल सर्जिकल आइटम्स। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि लगभग 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भी दिया गया था, ठीक है, अफगानिस्तान को, और इसके अलावा इंडिया सप्लाइड ऑलमोस्ट 45 टन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस विच इंक्लूड असेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन, एंटी टीबी मेडिसिन, 5 लाख डोजेस कोविड वैक्सीन की दी गई हैं, और 40,000 मेट्रिक टन जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ये जो सहायता है, ये सहायता कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो मकसद है, ये वहां के लोगों को, जो आम लोग हैं जो कि गरीबी से त्रस्त हैं, उनकी हेल्प के लिए है। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि देखो डिप्लोमेटिक लेवल पर एक अलग पॉइंट है जो हम उसको रिकॉग्नाइज करें ना करें, बट एक है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवता के पर हम उसको हेल्प कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी इसको देखा जाता है। ठीक है, इसको सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखा जाता है। चलिए नेशनल न्यूज में देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट कॉम्प्लीमेंट्स एनसीसी फॉर द सक्सेस ऑफ पुनीत सागर अभियान इन रिमूविंग द प्लास्टिक। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने पुनीत सागर अभियान के बारे में देखा था, तो आप इसका लोगो डिजाइन कर सकते हैं। दोज हु आर वेरी गुड इन फॉर्मेशन ऑफ लोगो वो जाइए विजिट mygov.in पर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा कि ये पुनीत सागर जो अभियान है ये काफी सक्सेसफुल रहा, जिसमें एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने प्लास्टिक और अदर वेस्ट मटेरियल को साफ किया फ्रॉम सी शोर्स, रिवर फ्रंट्स एंड अदर वाटर बॉडीज। और इस चीज में जो कह लीजिए केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट, उन्होंने सराहना की एनसीसी के कैडेट्स की। सो डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अंडरलाइन द नीड टू एस्टेब्लिश वेल इक्विप्ड ट्रेनिंग एंड कैंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सारी स्टेट्स में, ताकि हाई डिग्री ऑफ इंसेंटिव एंड मोटिवेशन आए कैडेट्स को लेकर। ठीक है जी,
नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इक्विवेलेंट ऑफ 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉइज। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इक्विवेलेंट टू 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो इसकी अमाउंट जो है पे की जाएगी, दैट वुड बी अराउंड 11,27,000, मतलब नॉन गेस्टेड रेलवे एम्प्लॉइज को, और अमाउंट आएगी 1,832 करोड़, मतलब 1,832 करोड़ रुपए। तो ये आप देख सकते हैं इतना पैसा मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट पेबल पर रेलवे एम्प्लॉइज 17,951 फॉर 78 डेज। तो मैक्सिमम 17,951, तो लगभग 18,000 रुपए। तो ये किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि ये जितने भी इंप्लॉइज हैं, ये रेलवे क्या है, एक देखा जाता है कमर्शियल एंटिटी है भारत सरकार की, ठीक है। तो इस कमर्शियल एंटिटी को सक्सेसफुली रन करने में काफी इनका योगदान है, तो इस तरीके से उनको मोटिवेशन मिले और आगे से वो और अच्छा काम करें। इंसेंटिव के रूप में आप इसको देख सकते हैं जो भारत सरकार इन रेलवे एम्प्लॉइज को देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट इज सेटिंग अप ऑफ 10,000 फार्मर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। तो ये फार्मर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, मकसद है कि किस तरीके से, देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड उतनी ही है, वो लैंड आपको कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए भी चाहिए। तो अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किस तरीके से हम, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की भी बात कर रहे हैं, तो इस एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करें, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें। सो द नीड फॉर अमेलगमेशन ऑफ इनोवेशन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल वेज ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। सो गवर्नमेंट हैज एक्सपोर्टेड एग्री प्रोड्यूस वर्थ 3,75,000 करोड़ रुपीज, 3,75,000 करोड़ रुपए के एग्री प्रोड्यूस जो है एक्सपोर्ट किए गए हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग टाइम ऑफ पेंडेमिक। तो यहां पर ये कहा गया है कि किस तरीके से हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सीड्स अच्छे हों, एग्रीकल्चरल इनपुट्स अच्छे हों, तो इन पर फोकस करने की कोशिश की जाएगी। 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी, और ताकि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, ठीक है जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए। नेक्स्ट है INS तरकश रीच्ड पोर्ट ग्रोवर, दैट इज पोर्ट एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट इन 7th एडिशन ऑफ इब्सा मर। तो ये इब्सा हमने पहले भी पढ़ा है, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। देखो एक ब्रिक्स है, ठीक है, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, एक इब्सा है जिसमें रशिया और चाइना नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि साउथ साउथ कॉपरेशन भी से कहा जाता है, ठीक है। तीनों ही डेमोक्रेसीज हैं, तीनों ही, तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं, और तीनों ही सदर्न कैरिबियन हेमिस्फीयर में आती हैं, या ये कहा जाता है कि साउथ साउथ कॉपरेशन से कहा जाता है। सो द इनकी एक ज्वाइंट मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है, और इसमें INS तरकश पहुंचा है कहां पर, साउथ अफ्रीका में। And this harbor phase of Ipsamar 7 includes professional exchanges as damage control, firefighting drills, कई सारी चीजों पर ये मिलकर जो कह लीजिए नेवीज हैं वो काम करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा आप कह सकते हैं INS तरकश चेतक हेलीकॉप्टर, पर्सनल फ्रॉम मेरीन कमांडो फोर्स मार्कोस भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आगे चलते हैं। एम्स इज डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस कॉल्पोस्कोप फॉर स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन। सो एम्स जो है एक डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस, इसका नाम है कॉल्पोस्कोप फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन। टॉकिंग टू AIR न्यूज डॉक्टर नीरज भाटला, उन्होंने बताया हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी को, दैट एम्स जो है इस इमेजेस को कैप्चर करेगा बाय द डिवाइस, विल हेल्प डिटेक्ट द कैंसर ऑफ सर्वाइक्स। इससे हेल्थ केयर वर्कर्स को हेल्प होगी ताकि वो इजीली डायग्नोस कर सकें डिजीज को, एंड ये अगले साल तक डेवलप हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर आपका डेवलप होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, दैट इज HPV इन्फेक्शन। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1,20,000 महिलाएं जो है डेवलप होता है हर साल, 1,20,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है, एंड ओवर 77,000 वुमेन डाइड ड्यू टू दिस डिजीज इन इंडिया। 77,000 वुमेन डाइड, ठीक है, और एक बड़ा नंबर है। शी एक्सप्रेस्ड होप दैट रिसेंटली डेवलप्ड मेड इन इंडिया HPV वैक्सीन सर्वेवैक, ये भी ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ठीक है।
हाँ जी, क्या नाम है हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का? हमारे जो बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दिया जाता है उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो एक बार, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। सो दिस इज सर्वाइवेक विल बी पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कहा गया है कि जो मेड इन इंडिया सर्वाइवेक है, जो वैक्सीन है, पीवी वैक्सीन, उसको भी पार्ट बनाया जाए इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। यस अमित, इंद्रधनुष, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया है ड्रग प्रोडक्शन एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट मेडन फार्मास्यूटिकल्स इन सोनीपत। जो अभी अगर आपको याद हो, एक केस आया था जिसमें कि घाना में, ठीक है, सॉरी गाम्बिया में, सॉरी गाम्बिया में आपका 66 चिल्ड्रन, 66 बच्चों की मृत्यु हुई थी, ये कहा गया था कफ सिरप पीने के बाद। और ये कहा गया था कि कफ सिरप इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो मेजर इररेगुलरिटीज वर फाउंड एट द प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ मेडन फार्मास्यूटिकल्स। ये कहा गया है कि इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज में मेजर इररेगुलरिटीज पाई गई हैं, और हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर जो अनिल विज हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये सैंपल्स 3 ड्रग मेंशन बाय WHO सेंट टू द सेंट्रल ड्रग लैब इन कोलकाता, और इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। एक्शन विल बी टेकन, उसके अकॉर्डिंगली इन पर एक्शन लिया जाएगा, बट अभी के लिए ड्रग प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफी सीरियस इररेगुलरिटीज मिली है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके के केस भारत की छवि को, क्योंकि देखिए अब ये एक कंपनी ने ऐसा किया है, बट इससे कहीं ना कहीं भारत की छवि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। 66 बच्चों की जान गई है। एंड ही एडेड दैट जॉइंट इंस्पेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड हरियाणा स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट फाउंड 12 फ्लॉज इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड इट वाज फाउंड डिसाइडेड कि प्रोडक्शन फैसिलिटीज को इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। यस, ठीक है, ये कुछ कह लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्शन कमीशन ने जो नाम है और जो कह लीजिए सिंबल है, पार्टी का सिंबल जो है वो फ्रीज कर दिया है, और नए कह लीजिए सिंबल्स दिए हैं। पार्टी नेम बाला साहेब वांची शिवसेना टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे लेड ग्रुप, और कमीशन हैज रिजेक्टेड द सिंबल ऑफ ऑप्टेड बाय शिंदे ग्रुप, सेइंग कि 3 सिंबल्स फर्निश्ड बाय दिस ग्रुप आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। और ये नया, सॉरी, हाँ जी, ये है इनकी पार्टी का सिंबल, और इनकी पार्टी का नाम होगा बाला साहेबांची शिवसेना। और जो दूसरा ग्रुप है जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से है, दैट इज शिवसेना, और उनका ये टॉर्च है, ठीक है। ये सेम कंसेप्ट जो है, कह लीजिए इलेक्शन कमीशन इस तरीके का जो डिसीजन लेता है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि जब दो पार्टीज में जब स्प्लिट होता है, जो लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी जिसके हेड हुआ करते थे रामविलास पासवान, जब उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ, तो उनके उसके बाद जो है उनके बेटे में और उनके भाई में, ठीक है, आपस में दरार हुई, पार्टी में स्प्लिट हुआ, तो उस केस में भी एलजेपी का, लोजपा का जो सिंबल था वो दोनों में से किसी पार्टी को नहीं दिया गया, दोनों ने अपने अपने नए सिंबल्स को अडॉप्ट किया था, ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सेम किया गया है, दोनों को नए नए सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सिंबल इनको दिया गया है और ये टॉर्च इनको दिया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लेयर किया है मोढेरा इन गुजरात एज इंडिया फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। तो भारत का पहला 24x7 सोलर पावर्ड विलेज होने जा रहा है, ये बताया है। सो ऑफर प्रेयर्स एट मोटिवेशन गॉडेस टेम्पल एट मोढेरा। तो ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये आपका, ही ऑल्सो विटनेस अ ब्यूटिफुल 3D प्रोजेक्शन मैपिंग एंड हेरिटेज लाइट एंड साउंड शो एट आइकॉनिक मोढेरा सन टेम्पल। और नया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की रैली को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, मोढेरा वॉज वेल नोन फॉर सन टेम्पल, और इसको अब सोलर पावर्ड विलेज भी जाना जाएगा, ठीक है। तो सन टेम्पल के लिए तो फेमस था ही, अब ये सोलर पावर्ड विलेज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एंड ही सेड नाउ सोलर एनर्जी विल इम्पावर न्यू इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो फोकस है भारत सरकार का सोलर एनर्जी को लेकर, और जो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो इंडिया के इनिशिएटिव के बाद बना है, वो भी आपको गुरुग्राम में मिलता है। इंडिया ने 1
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का भी एक कह लीजिए इनिशिएटिव लेकर आए हैं। सो यहाँ पर ये वहां के स्थानीय लोगों को फार्मर्स को काफी हेल्प करेगा एंड इट विल प्रोपेल द रिन्यूएबल एनर्जी। और हमारा टारगेट कितना है 2030 तक जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होगी उसका 45% का टारगेट है कि ये जो है बाय रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इसको प्रोड्यूस करें। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करें। देखो न्यू सिंबल से लॉस है या वो है, देखो लॉस और वो नहीं है। अब दो पार्टीज हैं, दो फैक्शंस हो गए, दो फैक्शंस कह रहे हैं कि ये मतलब मैं ओरिजिनल पार्टी हूं, वो कह रहे मैं ओरिजिनल पार्टी हूं, मेरे पास ये सिंबल रहना चाहिए। तो लोग उस सिंबल के साथ एसोसिएट करते हैं। अब सिंस क्योंकि वो पार्टी टूट चुकी है तब दोनों को नया सिंबल मिल गया है, तो फायदा नुकसान की बात नहीं है ये, ताकि निष्पक्ष रहा जा सके, ये है इसमें। ठीक है, पर ये 100% है अनुज अर्जुन। एक और इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, सावधान 5G साइबर स्कैम अलर्ट, बी विजिलेंट अबाउट क्रिमिनल्स ऑफरिंग 4G टू 5G सिम अपग्रेडेशन। अब आजकल एक नया चला हुआ है, आपको फोन करके कहा जाएगा कि आपके पास 4G सिम है, आपको 5G सिम अपग्रेड कर दिया जाएगा, और डोंट क्लिक ऑन द लिंक दे शेयर और शेयर योर OTPs, या हो सकता है आपसे पूछे कि आप इसके लिए आपको एक OTP आया होगा, आप शेयर कीजिए या जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, OTP डालिए, तो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, फॉर 5G सर्विसेज विजिट योर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर स्टोर। तो अगर आपके पास जियो का है या एयरटेल है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाकर आप ये करिए, किसी भी फोन कॉल पर विश्वास मत कीजिए, प्लीज डोंट शेयर योर OTP। ठीक है, सीधा सीधा वो हो सकता है कि आपसे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। ठीक है, सो रिपोर्ट सच क्राइम्स ऑन cybercrime.gov.in या आप 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ अवेयर सिटीजन ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास 5G सिम आ जाएगा, जो भी है, ठीक है, क्योंकि 5G की बात चल रही है, तो यहाँ पर प्लीज डोंट फॉल टू दैट ट्रैप। और जो भी आपके घर में परिवारजन है प्लीज उनको भी ये जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है 0.8%। अब ये क्या होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब मैं डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले मैं न्यूज बताता हूं। अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ 2.4% इन जुलाई दिस ईयर, तो अगस्त में कम हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो मेजर कह लीजिए इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनको लिया जाता है, उनका एक इंडेक्स बनाया गया है देखने के लिए कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ चल रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रही है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुई है 0.8%, जो कि ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड साइन। सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, IIP हैज राइजन 13% अगस्त लास्ट ईयर। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये 13% लास्ट ईयर अगस्त मतलब इंक्रीज किया था। इंडस्ट्रियल आउटपुट सो फार इन दिस फिस्कल हैज राइजन 7.7%, ओवरऑल 7.7% है अप्रैल से लेकर अगस्त तक, बट अगस्त में ये कम हुआ है कंपेयर टू स्पाइक ऑफ 29% इन द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर ईयर वो। अब पिछले साल का बढ़ा क्यों था, ठीक है 2021 में बढ़ा क्यों था, क्योंकि 2020 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग बहुत कम थी, तो यहां पर आपको एक सडन जंप मिला था 21 में, बट 21 के मुकाबले में क्योंकि 21 का बेस ईयर जो है ज्यादा था, तो यहां पर आप 22 में ये कम हुआ है। और IIP में एक 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है IIP का 40% कंस्टिट्यूट करता है 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं 8 इंडस्ट्रीज जो कि 40% कंस्टिट्यूट करता है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है CCC फ्रेंड्स, और ये इस बार आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है ये इस बार आपका क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था CDS में। ठीक है जी, यस बेटा अर्जुन कह रहे हैं कि 42 रुपीज, बेटा वो भी निकाल लेंगे। चल, India to set up fast track mechanism to resolve issue faced by Indian investors in UAE. India ने कहा है कि हम एक fast track mechanism UAE में develop करेंगे ताकि जो issues को resolve किया जा सके by Indian businesses and investors in
इन यूएई। इसका मकसद ये था कि जो जो भी इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स जा रहे हैं उनको जो भी इश्यूज फेस हो रहे हैं वो जल्दी से रिजॉल्व किए जा सके। इंडिया यूएई रिलेशंस आल्सो विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड मोमेंटम। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यूएई के थ्रू जो है ना, हम जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है या कह लीजिए जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनका हमें एक्सेस मिलता है, और यूएई की इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो इस रिसेंटली हमने इवन एफटीए भी साइन किया है यूएई के साथ। सो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉपरेशन एग्जिस्ट इन की सेक्टर्स जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसको लेकर हमने देखा कि यूएई ने अभी रिसेंटली गोल्डन वीजा की बात की, और यूएई की इकोनॉमी जो है जो 1970s तक भी ये कहा जाता है कि बिल्कुल भी वहां पर मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं थे, किस तरीके से उन्होंने पिछले 40 से 50 सालों में एक सडन एक स्पाइक देखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। वहां पे जो रेगिस्तान था वो एक बड़े बड़े शहरों में डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर इंडिया भी उसमें अपना कह लीजिए पार्टिसिपेशन देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहता है। और यहाँ पर वो बोथ कंट्रीज ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि टाइम को कम किया जा सके, ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, और जो कॉस्ट है ट्रेड की उसको भी कम किया जा सके, टाइम को भी कम। ठीक है, चलिए। सो ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बताया कि हमने इनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है फेब में। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है वन ऑफ द एग्जाम्स में। कोल मिनिस्ट्री ने इशू किया है एलोकेशन ऑर्डर्स फॉर 12 कोल माइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इशूड एलोकेशन ऑर्डर फॉर 12 कोल माइंस। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ये सवाल उठता है कि एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कोल की बात कर रहे हैं। तो कोल अभी भी हमारी एनर्जी का 50% से ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट कोल से ही आती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है अभी भी 50% से ज्यादा जो है कोल से है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट ईयर इंडिया ने COP26 जो ग्लासगो में समिट हुई थी उसमें भी ये बात कही थी कि हमारे लिए इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, चाइना ने भी ये बात कही थी कि इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है कि हम कोल से जो है एकदम रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर जाए, क्योंकि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो कोल से काफी पहले शिफ्ट कर चुके हैं। तो उन्होंने सिलेक्टिवली कोल को ऐड करने की कोशिश की कि कोल को फेज आउट किया जाए। तो हमने और चाइना ने जो है, इंडिया और चाइना ने मिलकर जो है उसका विरोध किया था और उसको कोल को वहां से हटवाया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, और रिसेंटली अगर आपको याद हो गर्मियों में, पीक गर्मियों में हमने यहां पर देखा था कि किस तरीके से कोल का क्राइसिस भी आ गया था। ये कहा जा रहा था कि ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 12 कोल माइंस का ऑर्डर प्लेस किया है, इस 21 मिलियन टन पर एनम। जियोलॉजिकल रिजर्व जहाँ पर 2300 मिलियन टन के हैं, एंड इट इज सेड कि दीज माइंस आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 3569 करोड़ रुपीज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ पीआरसी। तो यहाँ पर लगभग ये कहा गया कि 3500 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये लगभग 28,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब भी प्रोवाइड करेगा। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन इंक्रीजेस ओवर 43% टू ओवर 8,98,000 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। भी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो लगातार 7 महीनों से 1,40,000 करोड़ रुपए पर मंथ क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कोल माइंस का एरिया बड़ा स्पेसिफिक है, तमन्ना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो कोल माइंस का एरिया स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर आपको मेघालय वाला रीजन, बट अभी के लिए ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है और इससे क्या बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़ा है, और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी हमने पढ़ा था कि 1,40,000 करोड़ रुपए पर मंथ लगभग 7 महीनों से लगातार चल रहा है, और यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो भी लगभग 23% बढ़ा है टू 8,98,000 करोड़ रुपीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार टाइप ऑफ कोल है, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है जी। एक और अच्छी न्यूज है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, सो स्टार्टअप्स टू गेट कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 करोड़ रुपीज, सेंटर नोटिफाइड द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। एक बड़ा बूस्ट है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, ये कहा गया है कि इंडियन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, मोर देन 1.5 लाख करोड़ रिफंड सिंस अप्रैल 1। तो जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो देश को चला रहे हैं, उनको ऑनर करना, उनको रिस्पेक्ट करना। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का टैक्स भरा है फॉर एग्जाम्पल, बट एक्चुअली में आपका टैक्स बनता है 70,000। ठीक है, जब आपने कैलकुलेट किया उसके बाद साल के आखिर में आपने सेविंग्स की, कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो अब आपको 30,000 का सरकार क्या करती है, रिफंड देती है। तो जनरली क्या होता था कि ये रिफंड आने में काफी टाइम लगता था, अब ये रिफंड जो है काफी फास्ट ट्रैक कर दिया गया, और ये कहा गया है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, 1.5 लाख करोड़ के रिफंड जो है 1 अप्रैल के बाद लोगों को वापिस दिए गए हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक। सो 81% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रिफंड्स, 1 अप्रैल से लेकर 8 अक्टूबर 22 तक। तो इसका मकसद ये है, सरकार ये कहना चाहती है इस न्यूज के थ्रू कि हम जो है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और उनके जो रिफंड है उनको जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर डायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनकम टैक्स जो है वो पे करें। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेज़न लॉन्चेस ड्रोनी ड्रोनी मेड इन इंडिया कंज्यूमर कैमरा ड्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय गरुड़ एरोस्पेस। तो आप ये देख सकते हैं, सो बेसिकली उन्होंने इनको जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर लेकर आए हैं, मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन विद एडवांस्ड फीचर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय गरुड़ एरोस्पेस, जिसमें एमएस धोनी ब्रांड एम्बेसडर होंगे। गरुड़ एरोस्पेस ने अपना एक निश क्रिएट किया है ड्रोन सॉल्यूशंस में फॉर एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, ये इस बार भी आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ड्रोन्स हम आजकल सिर्फ सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज नहीं कर रहे हैं, ड्रोन्स का एप्लीकेशन, इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि ड्रोन्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। सो ड्रोन्स का यूज हम पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, सोलर पैनल क्लीनिंग में, देखो सोलर पैनल्स में क्या होता है कि जनरली अगर वो क्लीन नहीं होंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होती है, ये देखा गया है। ठीक है, उस पर धीरे धीरे मिट्टी की परत जमनी शुरू हो गई, उससे क्या होगा, जो सनलाइट वहां पर आ रही है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या कह लीजिए उतनी एब्जॉर्ब नहीं होगी, सो और सीधा सीधा एफिशिएंसी पर इफेक्ट होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें डेवलप की जा रही है, तो आप ड्रोन्स के थ्रू वहां पर स्प्रेइंग कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल पाइपलाइन इंस्पेक्शंस, मैपिंग, सर्वेइंग, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, डिलीवरी सर्विसेज, और वेंचर इन टू द कंज्यूमर ड्रोन मार्केट, जिसका नाम रखा गया है ड्रोनी, और ड्रोनी इज इंडिजीनियस, कैन बी यूज फॉर डिफरेंट सर्वेलियंस प्रोसेस, एफिशिएंट, सीमलेस है, और ये किसने किया है, गरुड़ एरोस्पेस ने। लोग रील्स बनाने के लिए, हाँ, रील्स तो रील्स का यूज तो उससे पहले हो रहा है। निश का मतलब होता है, जैसे कई बार बोलते हैं, यू हैव टू क्रिएट योर निश इन द मार्केट, अर्जुन, निश का मतलब होता है अपनी एक खास जगह बनानी। ठीक है, अपनी खास जगह बनानी। चलिए, साइंस एंड टेक में इसरो होल्ड स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम टू टैग अलोंग रूरल कम्युनिटीज इन टेक वर्ल्ड। इसरो ने कहा है कि यूनिक प्रोग्राम आएगा स्पेस ऑन व्हील्स टू टैग अलोंग रूरल कम्युनिटीज इन दिस फास्ट मूविंग एडवांस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। ये बेसिकली जो रूरल कम्युनिटीज को फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स, जो गाँव में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रूरल एरियाज हैं, उनको पता लग सके कि इसरो क्या काम कर रहा है और क्या है स्पेस। सो इससे अवेयरनेस जनरेट होगी बच्चों में, एक एक्साइटमेंट होगी, या कह लीजिए बच्चों में जागरूकता आएगी, पब्लिक अबाउट द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। देयर अराउंड 6 व्हीकल्स गोइंग अराउंड द कंट्री। तो इस तरीके से 6 व्हीकल्स हैं जो कि गांव में जा रहे हैं और इसरो के बारे में, इसरो के प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं। सो दिस आइडिया इज टू स्प्रेड अबाउट इंडियन स्पेस प्रोग्राम टू स्टूडेंट्स एंड द जनरल पब्लिक। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, डिफेंस इंडिजनाइजेशन ऑफ 72 आइटम्स बाय डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिफोर देयर ओरिजिनल टाइमलाइंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का। तो ये पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट क्या है, मैंने पहले भी कई बार बताया आपको कि डिफेंस सेक्टर में
मान लीजिए एक आप एक फाइटर जेट को ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो पूरा का पूरा फाइटर जेट अभी अगर हम नहीं भी बना पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, तो उसके कुछ पार्ट्स जो हमारी इंडिया की कंपनीज, वो बेशक पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो, सरकारी कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो, इंडियन कंपनीज हो, तो उनके लिए फिक्स किया गया है कि उन्हीं से प्रोक्योर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनीज को बढ़ावा मिल सके। तो इस तरीके से 214 आइटम्स में से, 214 आइटम्स में से 72 आइटम्स को, जो कि फर्स्ट और सेकंड इंडिजनाइजेशन लिस्ट में, थर्ड भी आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड इंडिजनाइजेशन लिस्ट में 214 आइटम्स में से, 214 आइटम्स में से 72 आइटम्स को इंडिजनाइजेशन कर लिया गया है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, वेल बिफोर देयर ओरिजिनल इंडिजनाइजेशन टाइमलाइन ऑफ दिसंबर 2023। तो अगले साल इनको करना था, ठीक है जी, दिसंबर 2023, दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 तक करना था, और उसको पहले ही अचीव कर लिया गया। सो दैट शोज के उसकी तरफ काम जो है लगातार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो सम ऑफ द मेन सब सिस्टम लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स इंडिजिनाइज्ड इंक्लूड मैगजीन फायरिंग फाइव सिस्टम शिप्स। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बता रहा है जो कि हम धीरे धीरे भारत में बनाना हमने शुरू कर दिया है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज है। हमने हमेशा से यही सुना है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम विदेशों से कह लीजिए इंपोर्ट करते हैं, और किस तरीके से हमारा एक बहुत बड़ा एक्सचेकर का कह लीजिए, आम लोगों का बहुत बड़ा पैसा जो है हिस्सा, वो बाहर जाता था, और उसमें किस तरीके की दलाली होती थी, ये इसके भी एलिगेशंस कई बार लगते रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जब ये इक्विपमेंट्स भारत में बनने लगेंगे, दैट मींस ये भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स टू सेट अप वेपन सिस्टम ब्रांच। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वेपन सिस्टम ब्रांच डेवलप करेगी। अब इसका मायने क्या है, इससे यूनिफिकेशन होगा जितने भी वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं अंडर वन एंटिटी डेडिकेटेड टू द ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्राउंड बेस्ड स्पेशलिस्ट एयरबॉर्न वेपन सिस्टम। तो बेसिकली इसमें दो तीन चीजें हैं। इसमें ये है कि एक एक एंटिटी बनेगी, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी, वो बेशक ग्राउंड बेस्ड हो वो एयरबॉर्न वेपन सिस्टम्स हो। सो द ब्रांच वुड इनकम्पेस ऑपरेटर्स इन फोर स्पेशलाइज स्ट्रीम्स, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल, सर्फेस टू एयर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट दैट इज ड्रोन्स आरपीएस, एंड वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन ट्विन मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट। सो ब्रांच कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इमेंसली बाय एनहेंसिंग द वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो ये थी आज की न्यूज। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। कल के क्वेश्चंस हैं, इंडिया होस्टेड द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस इन विच सिटी थ्रू अ वीडियो मैसेज, या कह लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिसेंटली। अर्जुन, ठीक है, मैं अर्जुन एक बार और बता देता हूं लास्ट न्यूज। आंसर है हैदराबाद, आंसर है हैदराबाद। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड महाकाल लोक इन महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर। इतने कम लोगों ने वोट किया। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड महाकाल लोक इन महाकालेश्वर टेम्पल इन लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। 100% आ गया अब तो। बहुत इजी क्वेश्चन है, महाकाल, महाकालेश्वर टेम्पल, ठीक है जी, उज्जैन। 71% ने ही आंसर दिया, ये भी सही, शाबाश।
स्कीम बेटियां बने कौशल इज रिलेटेड टू अरेंज कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स इन इंडिया, सॉल्यूशन टू डिक्लाइनिंग सीएसआर एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स. सीएसआर दैट मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, नॉन ऑफ द अबव. ठीक है, स्कीम बेटियां बने कौशल की ना एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो क्योंकि पोल आ रहा है. काफी बच्चों अभी लास्ट क्वेश्चन में काफी बच्चों ने वो किया. स्कीम बेटियां बने कौशल इज रिलेटेड टू विच? अब की बार 32. यस, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स. बहुत इजी है. स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कल भी. ओके, 70% में. विच स्टेट लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम? इंडिया फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, केरल. वोट नहीं जा रहा, एक बार रिफ्रेश करो तमन्ना. कर रहे हैं बच्चे, अराउंड 32 बच्चों ने किया है अटेम्प्ट. बाकी सब सो रहे हैं. ठीक है, मतलब बाकी किस दिन की वेट कर रहे हैं? पेपर में जाके जब बिल्कुल सारी तैयारी हो जाएगी तभी जाके हम क्वेश्चन करेंगे. बट अब वो दिन, सही बता रहा हूँ, वो नहीं आता है. और अब तो वैसे भी पता नहीं लग रहा किसने सही किया किसने नहीं. तो अटेम्प्ट तो करो, प्रैक्टिस तो हो कम से कम. हाँ जी, आंसर इज उड़ीसा. ठीक है जी, भुवनेश्वर में हो रहा है ना सर फर्स्ट मैच. ठीक है, तो ये नासा इज सेंडिंग विच कॉमिक कैरेक्टर टू फ्लाई टू द मून ऑन ओरियन स्पेसक्राफ्ट? डोरेमोन, गोफी, स्नोपी, बग्स बनी. ठीक है, किसको भेज रहा है? मतलब सही बता रहा हूँ, जिनको लग रहा है ना पेपर में मैं कुछ चमत्कार चमत्कार करके आऊंगा, वो चमत्कार बेटा होने नहीं वाला. सही बता रहा हूँ, वो जो यहां पर प्रैक्टिस करेगा उसी जो अभी से ये डर गया कि मेरा गलत हो जाएगा तो फिर वो पेपर में सही कैसे करेगा, जो गलती करने से डर गया यहीं पर. सर हमें पता ही नहीं था कि पोर्ट्रेट में ऑप्शन आते हैं, पता चला है. ठीक है जी, डोरेमोन, मेरा नाम डोरेमोन है और मैं यहाँ नोबिता के लिए आया हूँ. चलिए सॉरी, स्नोपी. ठीक है जी, स्नोपी इज द आंसर. हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यू ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस रंजन गोगोई? ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन. हाँ जी, किनको नॉमिनेट किया गया है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बाय चीफ जस्टिस यू यू ललित जी के द्वारा? तो मेरा नाम आया आज यहाँ ऑप्शन में. बेटा मेरे को डोरेमोन में इंटरेस्ट हो ना हो, आई हैव टू किड्स. हाँ जी, सो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़. ठीक है जी, चलिए 97%, क्या बात है, 36 वोट्स. इसमें सबने वोट किया है, सबको लगा कि हाँ, ये हमें पता है. चलिए, ये वाला कौन है? जस्टिस रंजन गोगोई, क्या बात कर रहे हो, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, फॉर्मर, ये बाकी तीनों जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. एंड जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस एस ए बोबड़े एंड जस्टिस रंजन गोगोई. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच. टीम निष्ठा ऐप लाइव है, प्लीज गो एंड वॉच, अटेम्प्ट द टेस्ट. और ये है सोशल मीडिया हैंडल्स जिस
पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि एक सितंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए, सितंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए थ्रू क्विज, ठीक है, थ्रू क्विज। तो जो क्वेश्चन हमने क्लास में ही किए हैं उन्हीं का एक क्विज लेकर क्वेश्चंस को मिक्स करके लाने की कोशिश करेंगे ताकि सितंबर के भी करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल है जी। आना, अरे आना है सर, पोल में डी क्लिक करना था कुछ स्टूडेंट्स ने। ओके, डिस्कशन वाले बैच में, हाँ डिस्कशन वाले बैच में आज एक खबर सामने आई कि 8 बजे वाले बैच में कोई भी नहीं था, 2-3 बच्चे थे और नोबडी जॉइंड द सेशन। तो मैं एक सिंपल आपको फंडा बता देता हूँ, ठीक है। व्हेन ऑल ऑफ यू आर लाइक स्टडिंग सिटिंग इन योर होम्स, तो आप अपने घरों में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ना जो बहुत बच्चे मिस कर रहे हैं, दैट इज पीयर लर्निंग। ठीक है, पीयर लर्निंग पता है क्या होता है, जो आप एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती है क्लास में आपको सुनने का मौका मिल रहा है, ज्यादा बोलने का आपके हाथ चल रहे हैं, कॉमेंट्स चल रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्पीक, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। तो वो पीयर लर्निंग, वो हाफ एन आवर को आप ये मत सोचो कि दैट हाफ एन आवर इज वेस्टेज, दैट हाफ एन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू अदर आइडियाज, टू कन्वे योर ओन आइडियाज एंड टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें आपके आपके थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है, आपका बोलने का तरीका इंप्रूव होता है, आप बाकी लोगों के पॉइंट्स लिख सकते हैं, नोट कीजिए उसको। तो ये दैट इज मेंट फॉर यू ओनली, और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई क्लोज दैट पर्टिकुलर सेशन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो उस सेशन को कंडक्ट ना करना, इट्स आई थिंक बहुत सारे बच्चे हैं उसमें एनरोल्ड, बट इफ दे आर नॉट अटेंडिंग दैट सेशन एंड इफ दे आर थिंकिंग के पेपर बहुत दूर है, अभी से ही क्यों मेहनत की जाए, इवन देन दे आर एट अ रॉन्ग प्लेस। ठीक है, फिर वही होता है जब पेपर में महीना या 2 महीने रह जाते हैं, तब दे स्टार्टेड फीलिंग हीट कि हमने नहीं पढ़ा है, अब हम क्या करें, अब हमें कुछ शॉर्ट में बता दिया जाए, महीने का 6 महीने का एक कंसाइज करंट अफेयर्स बता दे कोई, ठीक है, या फिर हमें कुछ कंसाइज नोट्स दे दे, हम उसी को पढ़ के चले जाए। फिर वो पेपर के बाद कहते हैं सर पेपर बड़ा टफ है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरीके से इट विल नॉट लीड टू एनी रिजल्ट, सो यू हैव टू प्रिपेयर। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी ना उल्टी है। उल्टी कैसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तैयारी, अगर आप मान लीजिए सीएपीएफ कर रहे हैं, तो पहले इंटरव्यू की तैयारी है। वो कैसे इंटरव्यू की तैयारी कैसे, क्योंकि आपको पहले थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करने की भी जरूरत है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि why आई वॉन्ट टू ज्वाइन द सर्विसेज, ठीक है, एंड वॉट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड टू बिकम एन ऑफिसर, हाउ आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए, तो इट इज अप टू यू टू ज्वाइन दैट सेशंस। इसीलिए उसको 2 टाइम रखे गए हैं, 12 बजे और 8 बजे, सो दैट यू कैन ज्वाइन, यू कैन डिस्कस योर आइडियाज। ठीक है, क्योंकि वो प्रिपरेशन जो आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं घर में बैठ के, वो मोनोटनस भी हो जाता है, और ये जो ये सारी डिस्कशंस हैं, ये आपस में आप घर पेरेंट्स के साथ या फिर जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके साथ ये डिस्कशन आप नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज भी आपको वो डिस्कशन जो आपका पीयर ग्रुप है जो प्रिपरेशन कर रहा है उसी के साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं आप, एंड उन्हीं से आपको वो कंस्ट्रक्टिव डिबेट की जो है आदत पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंड हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस।